पौड़ी के कंट्रोलिया खेल मैदान में पिछले करीब 5 साल से नगर पालिका और खेल विभाग में असमंजस बनी हुई है। अब तक कंट्रोलिया मैदान का रखरखाव नगर पालिका कर रही थी, जिसको लेकर के शासन ने नगर पालिका से जिला खेल विभाग को हस्तांतरित करने पर सहमति दी गई है, जिसके बाद अब खेल मैदान के सौंदर्यीकरण की भी उम्मीद जाग रही है। वहीं मैदान को विकसित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। ये 2019 से ये नगर पालिका के अधीन था, जिसमें जिसका पूरा रख रखाव नगर पालिका को करना था। तब से हम लोग भी इसमें हमारे जो रेगुलर जो कैंप थे, कोचिंग कैंप वो तो चल ही रहे थे, क्रिकेट का कैंप और फुटबॉल का कैंप इस मैदान में चल रहा था। लेकिन जो यहाँ अगर बोला जाए कि सुविधाएं हमारे माध्यम से जो ये ग्राउंड का सौंदर्यीकरण होना था या इसमें धूप लगनी थी, वो कार्य नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे अधीन नहीं था। अब क्योंकि जब ये हमारे अधीन आ गया है, तो इस मैदान के ऊपर जो भी काम होना है, चाहे वो डूब लगने का काम हो, उसको विभाग स्तर पर हम करने की कोशिश करें। खेल विभाग का एक जियो है जो कि जारी हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि खेल मैदानों का उपयोग केवल खेल गतिविधियों के लिए ही किया जाए। अब क्योंकि जब ये हमारे अधीन आए हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे जो मेले लगते थे, तो अगर ये विभाग के अधीन आए हैं तो विभाग के जो नियमानुसार जो जैसा कहा गया है, उसी नियम को हम लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक।